नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब जहाँ भी होंगे क्वारंटीन होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, यदि आप उत्तराखंड राज्य में हैं और वहाँ से किसी अन्य राज्य में जाना चाहते हैं, या फिर भारत के किसी भी राज्य में हैं और वहाँ से आप उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही पोर्टल बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। तो ये बहुत ही अच्छा है। जिस जिस राज्यों ने एक पोर्टल के माध्यम से लाने और ले जाने का काम किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को किसी अन्य राज्य से उत्तराखंड आना है तो उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा टाइटल बार में, आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्रवासी यात्रा पंजीकरण और एक प्रवासी पंजीकरण उत्तराखंड से अन्य राज्य। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले आना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, प्रवासी यात्रा पंजीकरण पे। तो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया। अब देखते हैं कि इस पर क्या आएगा डिटेल। कुछ कुछ भरने के लिए आएगा, उसको हम लोग भर देंगे। तो खुल गया हम लोग का, ठीक ठाक स्पीड है। उसके बाद यात्रा, प्रवासी यात्रा पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट एंड अदर फॉर ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड। यदि आप उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो अब देख लेते हैं नीचे क्या है। आपको नाम भरना है सबसे पहले, उसके बाद ओटीपी वगैरह सब मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद एनी वन हु वॉन्ट टू रिटर्न उत्तराखंड इज रिक्वायर टू रजिस्टर फिलिंग अप द फॉर्म, मतलब जो उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हैं उसको ये फॉर्म भरना ही होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन बाय सेल्फ सेल्फ कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में कुछ घोषणा करना होगा आपको, यहाँ पे आई डोंट हैव एनी सिम्टम ऑफ कोरोना, आपको कोरोना का कोई लक्षण है या नहीं है आप लिख दीजिए, नहीं है। यदि आपको है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर किस कैटेगरी से आते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ट्रैवलर टूरिस्ट है तो टूरिस्ट भर देना है। उसके बाद नेम ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर का नाम, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखिए। उसके बाद आयु लिखिए, आपकी एज कितनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर टिक करना होगा, यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपको डोंट यूज़ कंट्री कोड वाइल इंटरिंग, मतलब कि मोबाइल नंबर इंटर करने से पहले +91 प्लस ऐसे करके कुछ लगाते हैं ना, तो +91 आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपली 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद अदर आईडी यदि आपके पास है तो उसको भी लिख दीजिए। उसके बाद स्टेटस इन आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप में आपका स्टेटस क्या है वो आप चेक करके और उस हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए। ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर, अदर कलर है तो अदर कलर, तो ग्रीन कलर है मान लीजिए तो ग्रीन कलर लिख दीजिए। प्रेजेंट लोकेशन आउटसाइड उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाहर आपका, आप किस राज्य में हैं उस राज्य के बारे में लिखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप बिहार में हैं तो बिहार के बारे में लिखिए, झारखंड में है तो झारखंड के बारे में लिखिए, यूपी में है तो यूपी के बारे में लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट सिटी वहाँ पे कौन से सिटी में है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप गोवा में हैं तो गोवा के बारे में लिख दीजिए, गोवा का कौन सा सिटी में है तो वो भी आपको टिक करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर स्टेइंग विथ यू, आपके साथ कितने फैमिली मेम्बर हैं और जो कि उत्तराखंड आना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवल मतलब अपने गाड़ी से आना चाहते हैं, बाय बस या फिर कोई और तरीका से, तो या कोई और तरीका से लिख यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने ट्रेन का फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है। अब यदि अदर्स में यदि ये लोग दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा, आगे आपको फैमिली मेम्बर डिटेल भरना पड़ेगा, एड्रेस इन उत्तराखंड, आप उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो किसके पास जाना चाहते हैं, आपको कोई फैमिली मेम्बर है कि नहीं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस आपको देना होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। उसके बाद तहसील का नाम देना होगा, उसके बाद गांव का नाम देना होगा, एड्रेस पूरा भरना होगा, घर का जो पता है एकदम पिन कोड से लेकर मोबाइल नंबर सब। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में यदि आपके कोई दोस्त हैं या फिर कोई रिलेटिव हैं तो उसका नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना पड़ेगा, पहला जो है आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज एक्यूरेट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब कि आप इसमें जो हैं अपने पूरे होशो हवास में आपने सही भरा है। उसके बाद आई एम अवेयर दैट वैन आई ट्रेवल बैक टू उत्तराखंड, मतलब मैं जागरूक हूँ और जब मैं उत्तराखंड जाऊँगा तो मैं 14 दिन के क्वारंटीन में रहूँगा। उसके बाद इफ़ इंफॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स एक्शन मे बी टेकन इन इज इन एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यदि कुछ गलत पाया जाता है तो एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद द एप्लीकेंट इज नॉट फॉर कॉन्टामिनेंट जोन इन हर सिटी डिस्ट्रिक्ट, कि आप वैसा जहाँ पे कॉन्टामिनेंट करके रखा गया है पूरी लॉक
ना उनकी स्थिति जहाँ पे आ गई थी पूरी तरह से नाकाबंदी वाली, उस जगह से आप नहीं हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये हो गया यदि आप किसी अन्य राज्य में हैं और वहाँ से उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि आप उत्तराखंड में हैं तो आप किसी अन्य राज्य में कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्म है उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और वहाँ पे भी कुछ डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रवासी यात्रा पंजीकरण उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर फॉर वेरीफिकेशन, मतलब आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य से आना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेल्फ कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे आदमी से कर रहे हैं, नहीं सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ भर दीजिए। आई डोंट हैव सिम्टम ऑफ कोरोना, आई हैव सिम्टम ऑफ कोरोना, कभी आपको कोरोना है तो आप येस में करिए, कोरोना नहीं है तो नो में करिए। उसके बाद जैसे ही आप इसको टिक करिएगा आपको कैटेगरी चुनने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको नाम पूछा जाएगा, आप कैटेगरी में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, टूरिस्ट है तो टूरिस्ट, मान लीजिए टूरिस्ट है तो टूरिस्ट लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर का नाम लिखना पड़ेगा यदि आप हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद एज लिखना पड़ेगा, उसके बाद कितना आपका एज है, उसके बाद जेंडर लिखना पड़ेगा मेल फीमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि आधार कार्ड आपको लिख देना पड़ेगा, आधार कार्ड जितने अंकों का है पूरा। उसके बाद अदर ID यदि आपके पास कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID तो उसके बारे में भी लिख देना है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप में आपका कैसा बताया गया था स्टेटस वो लिख देना है, ग्रीन या फिर अदर कलर, ग्रीन लिखना है तो ग्रीन। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट लोकेशन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस ज़िले में आप हैं, मान लीजिए कि अल्मोड़ा में आप हैं तो अल्मोड़ा में टिक कर दीजिए। उसके बाद वहाँ का तहसील, वहाँ की गाँव, वहाँ का करेंट एड्रेस उत्तराखंड का वो आपको भर देना है। उसके बाद एड्रेस लोकेशन आउटसाइड उत्तराखंड, मतलब आप उत्तराखंड से यदि कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का एड्रेस पूरा दे देना पड़ेगा। पहले आउटसाइड स्टेट, कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं, मान लीजिए असम में जाना चाहते हैं, असम का लिख दीजिए। उसके बाद वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का सिटी के बारे में, और उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर आपके साथ कितने हैं और कितने जाना चाहते हैं, वांट टू गो अदर स्टेट, तो उसके बारे में भी यहाँ टिक कर देना है आपको। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे आपको पूरा फिल कर देना है क्योंकि स्टार मार्क है और स्टार मार्क वाला कंपलसरी रहता है। उसके बाद सेक्टर, एरिया का नाम, वहाँ पे उस लोकेलिटी का नाम, उस मोहल्ले का नाम। उसके बाद वहाँ पे मोड ऑफ ट्रेवल, आप क्या रखने वाले हैं वहाँ पे पहुँचिएगा तो ओन व्हीकल, बाय बस या फिर अदर से। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका कोई जान पहचान का है तो उसके बारे में लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन पे वही जो कि आप पूरा जितना भी ऊपर फॉर्म भर रहे हैं वो आपके नॉलेज के बिहाफ में सही है। और उसके बाद ये आप गारंटी देते हैं कि आप 14 दिन के क्वारंटाइन में रहिएगा यदि अदर स्टेट फ्रॉम उत्तराखंड से जाते हैं तो। उसके बाद इफ़ इंफॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स, एक्शन में भी टेकन, मतलब यदि आप कुछ गलत भर देते हैं तो आपको एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद द एप्लीकेशन इज नॉट फ्रॉम कॉन्टेमिनेंट जोन इन हिज हर सिटी, मतलब कि आप उस सिटी से नहीं हैं जहाँ पे पूरी तरह से नाकाबंदी या फिर बहुत ही क्रूशियल कंडीशन आ गई थी। तो इतना यदि आप शर्त को मानते हैं तो उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और जैसे ही कुछ गवर्नमेंट के पास अपनी सुविधा के हिसाब से ये लोग आपको भेजने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सब के बीच में भी इस वीडियो को फैलाइए जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हर किसी की मदद हो जाए तो अच्छी बात है।